नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो आज एक पेनी स्टॉक है मगर फ्यूचर में एक बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि कंपनी एक ऑटो इंसिलरीज इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, ऑटो इंसिलरीज मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स है, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो डिफरेंशियल हो, चाहे वो गाड़ी के कोई कोई अलग अलग स्पेयर पार्ट्स हो, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ऑटो इंसिलरीज में सबसे नंबर वन पोजीशन में कौन है आप सभी जानते हैं, नंबर है बॉस, उसके बाद मदार सन सुमी, उसके बाद मिंडा इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी सबको मिल जाएगा। तो ये कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। किस तरीके से ग्रोथ किया, किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, इसका फाइनेंशियल डेटा क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनीज के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी के वेबसाइट यही बता रहा है कि कंपनी का रीजनल ऑफिस कितना है, 7 ऑफिसेस है। कितना ब्रांचेस है, 77 ब्रांचेस है। इसका डीलरशिप कितना है, 75,000 इसका डीलरशिप है। तो कंपनी की एक स्टेन यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है, देखिए कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कंपनी के इंजिन के ऊपर और कंपनी का गाड़ी के पेयर पार्ट्स के ऊपर। तो कंपनी ने जिस बेसिस में कंपनी को स्टार्ट किया उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। इंडिया के बहुत सारे जगह पे कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखा, कंपनी का हेड ऑफिस भी बना के रखा, रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस भी देखने को मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी के जो बिजनेस प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिंस 1927। तो कंपनी यहाँ पे देखा है तो 100 साल के आसपास कंपनी होने वाले हैं। तो इतना पुराना कंपनी है, इतना पुराना कंपनी है कि इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। जो कंपनी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स से लेकर गाड़ी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं, तो इस हिसाब से क्या कंपनी को वो निवेश करना चाहिए, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स एकदम मतलब बहुत हाई रिस्की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 158 करोड़ के आसपास है और कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 69 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम आपको सस्ते में देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, कोई भी डेप्थ नहीं है। 21 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर चुके हैं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है। तो प्रोमोटर के होल्डिंग के साथ साथ और किसने होल्डिंग करके रखा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के प्रोमोटर के बाद बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास ही देखने को मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 10.5 रुपीज करके कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, कोई खराब नहीं है। इतना छोटा कंपनी इस अर्निंग को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए छोटे कंपनी में देखिए फंडिंग कम मिलता है, कंपनी को सेल्स ज्यादा करके ही खुद को स्टेबल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी का इन्वेंटरी लगातार वो करते जाएंगे और उसको फंडिंग मिलता जाएगा, लोन्स मिलते जाएंगे, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि कंपनी को जो प्रोडक्ट है उसी को ज्यादा सेल करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से वो फिर से मतलब इन्वेंटरी बढ़ा सकते हैं, मशीनरी बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो डेटोस डे के बारे में बात करो तो 61 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के तक, और कंपनी को माल तैयार करने से बेचने तक 67 डेज लग रहा है। तो टाइम पीरियड मुझे ज्यादा लगा। एंटरप्राइजेस वैल्यूज 155 करोड़ है, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम नाके बराबर है, मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन है। और कंपनी का पैग रेशियो बता रहे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम ठीक ठाक बेस लेवल में है। डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो कंपनी 2.90 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया है। इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट आपको किया है। 1 लाख रुपया मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर किसी का निवेश है तो उसको 2,900 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे मिल चुका है। तो अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड कंपनी पे आउट कर चुके हैं। तो डिविडेंड के लिए निवेश नहीं करना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत शानदार लगा, जैसे कंपनी साल भर में दिखा रहा है उसी तरीके से 3 सालों में भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के लिए बेस्ट माना जाता है। तो कंपनी का कुछ डेटा डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो कंपनी का देखिए कौन सा सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा था। कंपनी डील्स इन
प्रोडक्ट्स साच ए ब्रेक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकिंग सॉरी बियरिंग, एंड यहाँ पे देख सकते हैं क्लच, यहाँ पे देख सकते हैं कूलिंग सिस्टम, इंजन कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे देख सकते हैं पावर स्टीम मतलब स्टीम ऑयल एंड लुब्रिकेशंस एंड फिल्टर्स। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो डेटा है मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिजनेस आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ब्रॉड बैक एंड कंपनी बता रहा है कि कंपनी 69,76,996 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर एट ऑफर प्राइस ऑफ ₹36 पर इक्विटी शेयर। मतलब कंपनी ऑफर किए थे बायबैक के माध्यम से, तो कंपनी का ऑफर था बहुत ज्यादा क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर शेयर खरीदने चाहते थे, तो अच्छा खासा एक ऑफर प्राइस लेकर आया और इतना इक्विटी शेयर वो कंपनी ने बेचा है मतलब सॉरी खरीदारी की है। तो इसीलिए कंपनी का एक स्टेन बन सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी का डिटेल्स दिखा दूं तो आप देखेंगे तो बायबैक कंपनी यहाँ पे 2020 में लेके आए थे, तो स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं, डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली कंपनी देते आए हुए हैं। हर साल में कंपनी डिविडेंड एक बार करके देते रहते हैं। रही बात कंपनी के और अदर्स डिटेल्स का, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूर देखना है। देखिए कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है अगर आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो सेल्स एक ही रेंज में फंसे हुए हैं, कुछ ज्यादा सेल्स नहीं हो रहा है कि कुछ ज्यादा लॉसेस भी नहीं हो रहा है। कंपनी का एक्सपेंस भी कुछ ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी जितना सेल्स कर रहा है उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दूं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम लेवल में दिखेगा। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी परसेंटेज के हिसाब से भी आपको सेम दिखेगा। इसका मतलब हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूं तो नेट प्रॉफिट आपको शानदार देखने को मिला, मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ धीरे धीरे करके हो रहा है, छोटा कंपनी है यही ग्रोथ कर रहा है, यही सबसे बड़ा खासियत है। सेल्स ग्रोथ तो उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, तो यही मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगा क्योंकि छोटा कंपनी इसको सेल्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। देखिए सेल्स ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं रहा तो वो भी आपको बता दूँ, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है मगर सेल्स में थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला। कंपनी रिटर्न अच्छा खासा दिया 3 साल में, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है। अगर मैं कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे कंपनी का कर्जा पहले तो था, आज कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है, ये सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, रिजर्व बढ़ते जा रहा है, और कंपनी का जो लाइबिलिटीज है मतलब कंपनी को जो देना पड़ेगा पैसा, अभी भी कंपनी क्रेडिटर से पैसा लेके रखा है, कोई प्रोडक्ट लेके रखा है उसको पैसा देना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कंपनी को ट्रेड पेबल्स में। ट्रेड पेबल्स मतलब कंपनी ने जो ट्रेड किया, जो रॉ मटेरियल्स दूसरे कंपनी से खरीदारी किए हैं तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको बोला जाता है ट्रेड ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स देखेंगे तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट बाकी है। तो पिछले बार तो कंपनी का ट्रेड पेबल यही बता रहा है कि कंपनी का 65 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड पेबल मतलब अभी बाकी था, मगर कंपनी इस बार कम कर दिया, मतलब ट्रेड पेबल ज्यादा से ज्यादा पैसा पेमेंट कर दिया, तो इस 49 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट में मुझे कुछ अच्छा पॉइंट्स ऑफ जरूर लगा क्योंकि देखिए कंपनी के लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है मगर प्लांट एंड मशीनरी में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। मतलब कंपनी नया नया प्लांट खरीदारी नहीं किया है, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसी प्लांट और मशीनरी से ही कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए कंपनी के सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको भी जरूर याद रखना होगा। तो कंपनी का यहाँ पे एक एक चीज मैं और बता दूँ, कंपनी का CWIP, तो CWIP क्या होता है मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। कंपनी मान के चले कोई नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और काम खत्म नहीं हो रहा है, काम ऑनगोइंग है और कंपनी का बिजनेस ईयर्स खत्म हो गया, तो उस पैसे को वो पहले से ही रीपे कर चुके हैं, पहले से ही वो पैसे को अलग कर चुके हैं, तो उस पैसे को बोला जाता है CWIP। तो सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए मैं दिखाया हूँ क्योंकि आपको भी कंपनी के बारे में जानकारी ज्यादा रहे। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इन्वेंटरीज के बारे में बात करूं तो इन्वेंटरीज धीरे धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल कंपनी कितना ट्रेड रिसीव कर रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए कंपनी जिसको माल बेचेंगे अगर वो रिसीव ही नहीं हो रहा है तो कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं। देखिए पिछले साल में कंपनी 61 करोड़ के
61 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ट्रेड रिसीवेबल देखने को मिला था, मगर इस बार कंपनी 48 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल अभी कम हो चुके हैं। तो कंपनी का लोन इन एडवांस, तो एडवांस लोन कंपनी जो लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, 11 करोड़ के आसपास। मतलब उतना ज्यादा लोन भी नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी जितना यहाँ पे खाते में पैसा दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है, 50% भी नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि छोटा कंपनी है तो इस तरीके से उसको काम करना ही पड़ेगा। और रही बात कंपनी इसके नया फिक्स एसेट परचेज में, तो नया फिक्स एसेट परचेज में कंपनी धीरे धीरे करके खुद का एसेट बढ़ा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चले। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहूंगा, कंपनी लगातार ग्रोथ करने के बाद एक रेंज के बाद कंपनी की लगातार गिरावट देखने को मिला था, तो उस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं जरूर कहूंगा इस ब्रेकआउट में एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बना है वो ऊपर ज्यादा फिक्स ऊपर में ज्यादा देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे सेलर अभी भी एक्टिव है, तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे रिवर्सल करने दीजिए। अगर इसको रीटेस्ट करके ब्रेकआउट होते हैं इस रेंज को, तो आप यहाँ पे एंट्री लेने के लिए जरूर सोचिए। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो आप इस वीडियो से आपको कुछ ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।